अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं किचन से शुरू कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर कल होने वाली है दावत और हम इस टाइम बना रहे हैं खीर। खीर हम एक दिन पहले ही बना कर रख रहे हैं ताकि हमें कल और भी काम होंगे तो हमारा टाइम थोड़ा बच जाए और ये फ्रिज में अच्छी तरह ठंडी भी हो जाएगी। इसलिए अब ये नेक्स्ट डे है, अब हम सुबह सुबह उठ चुके हैं। आज है दावत तो हम यहाँ पे बना रहे हैं मटन। और यहाँ मेरी बेटी भी उठ चुकी थी और मैं उसको बना कर देने लगी थी फीडर। वो मेरे से फीडर मांग रही थी। यहाँ पर हमने बिरयानी का मसाला भी बना कर रख लिया है और ये हमने स्टीम रोस्ट बनाना है, उसको अब हम स्टीम देने लगे हैं। ये मैंने एक दिन पहले ही इसको मैरिनेट कर रख दिया था। जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट कर रखें इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। इसकी मैं पूरी रेसिपी आपसे एक अलग वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि अगर मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही हूँ। इसलिए अब अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया था और अब हम कर रहे हैं नाश्ता क्योंकि हम उठते साथ ही दूसरे कामों में लग गए थे। नाश्ता करने के बाद हम लोग सफाई करने लगे थे, बेडशीट वगैरह सही करने लगे थे क्योंकि जब दावत होती है तो खाने के साथ साथ हमें सफाई वगैरह भी करनी पड़ती है। तो हम यहाँ बेडशीट चेंज कर रहे थे और जिस कमरे में हमने गेस्ट को बिठाना था तो उस कमरे में भी हमने कुछ चीज़ें ठीक करनी थी। वहाँ की हमने सफाई वगैरह कर और चीज़ें सेट कर दी थी। यहाँ पर हमने गेस्ट को बिठाना था। हमने सलाद और रायता वगैरह भी बना कर रख दिया था। अब तकरीबन हमारे सारे काम कंप्लीट हो चुके थे और जब दावत होती है तो बहुत सारे काम होते हैं और घर के तमाम अफराद ही मिलकर काम करते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। यहाँ पर हमारी तैयारी सारी कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ कबाब रह गए थे। हम लोग तैयार भी हो गए थे और यहाँ पर मेहमानों के आने का वेट हो रहा था। मेहमानों के आने में अभी टाइम था तो हमने कहा चलो जब तक हम कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कबाब फ्राई कर रही थी और भूख भी सबको बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। बस अब मेहमानों का ही इंतज़ार हो रहा था और अब मेहमान आ गए थे और हमने खाना वगैरह रखना शुरू कर दिया था। खाना वगैरह सबको ही बहुत पसंद आया। हर एक चीज़ जो हमने बनाई थी सब ने ही वो बहुत खुश होकर खाई। सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इसलिए सब खाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। और अब हम काम कैसे फारिग हो चुके थे, बहुत थक चुके थे और ये जो गेस्ट हमारे लिए केक लेकर आए थे अब हम इसको कट करके खा रहे थे। अब मैं अपने व्लॉग को इधर एंड करने लगी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।